सवाली बना, झुके करता हूँ मैं इल्तिजा, कुल जहाँ मुश्किलों में घिरा, सोजे दिल की करें क्या। खुश आमदेद कहते हैं हम आपको शान एल में, यानी कि हमारे क्विज के मुकाबले में डब्ल्यू बी बहमानी की जानिब से। आप बनाइए सेहतमंद और महफूज जहां पर्सनल केयर एंड हाइजीन, अपने हाथों को बाकायदगी से सैनिटाइज करना न भूलिए। ये आप पहले अपने बजर चेक कर लें तीनों जनाब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहला राउंड भाई दो तीन दफा और बजा लो मसला है। अच्छा ठीक, पहला राउंड बजर राउंड है। जब आप बजर बजाएंगे सवाल वहीं पर रुक जाएगा, उसके बाद अपने सवाल का जवाब देना होगा। सही जवाब पर 10 नंबर का इजाफा होगा, गलत जवाब पर 10 नंबर की कमी होगी। सही जवाब पर हम भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजा, गलत जवाब पर हम भरपूर ताजियत करके ये माहौल है, आगाज करें, बिस्मिल्लाह करें। चले जनाब तालियां बजा दें, फिर हम करते हैं मुकाबले का बाकायदा आगाज। इस मुकाबले में शामिल है पार्टिसिपेंट ए के तौर पर शारिब अशारिब, पार्टिसिपेंट बी के तौर पर एहसन साहब एहसन अहमद, और पार्टिसिपेंट सी के तौर पर कमर एहसन साहब। जनाब तीनों को हम कहते हैं खुश आमदेद और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुकाबले में शिरकत करने का। मुकाबले का पहला सवाल फरमाएंगे जनाब महमूद हसन अशरफी साहब। जनाब सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको। शायर का नाम बताएं, शायर का नाम बताइए। ऑप्शंस दे दीजिए भाई, सबीर रहमानी या इमाम अहमद रज़ा खान। क्यों ने बजाया एन, आप बता बजाए ऑप्शन सबीर रहमानी। गलत है जवाब, गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। बजर बजाने के बाद एक लम्हा रुक जाएगा ताकि हम पहले बता दें कि किसने बजर बजाया, ठीक है, उसके बाद आप दीजिएगा। मुझे बताइएगा टोटल टाइम हमारे पास कितना है ताकि मैं अकॉर्डिंगली जरा मैनेज करूँ। चलो जनाब ये बताइए इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है। मैं ऑप्शन देता हूँ, 12 अगस्त या 7 फरवरी, ए ने बजाया जी 12 अगस्त। 12 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। तो दुनिया में पहली बार यूथ डे अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से मनाया गया था, किस साल मनाया गया था क्या बता सकते हैं। पहली बार इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को कब मनाया गया था, मैं ऑप्शन देता हूं, साल 2000 या 2012। जी सर 2000, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त छा गए भाई। क्या कहें, हाल ही में ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अमरीकी सदर और अमरीका जो व्हाइट हाउस जो है उसके सरकारी ट्विटर अकाउंट ने एक मुल्क के सदर और वजीर आजम को अनफॉलो कर दिया। ये कौन सा मुल्क था जिसके सदर और वजीर आजम को अनफॉलो किया गया, अमरीका के सदर या अमेरिकन अथॉरिटीज ने एक और मुल्क के सदर या वजीर आजम को अनफॉलो कर दिया ट्विटर पे। ये कौन सा मुल्क था, ये पाकिस्तान था या इंडिया था, किसने बजाया, ए ने ना, हाँ वो कह रहे हैं ए, चल इंडिया इंडिया, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके अगला सवाल बहुत आसान है, इंडिया के वजीर आजम जी मोदी, नरेंद्र मोदी, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। अच्छा जनाब ये तो जरा मुझे बताइए कि शेर सुनिए, ठीक, अगर आप मुकम्मल कर सकें तो कीजिएगा, ठीक है, वरना मैं मुकम्मल करके फिर सवाल पूछ लूंगा। कौन जाने किस बुलंदी पर मेरे सरकार हैं, कौन जाने किस बुलंदी पर मेरे सरकार हैं, सब जहां मजबूर हैं वो अहमद मुख्तार हैं, आसमां वाले भी करते हैं मदीने का तवाफ, अर्श आजम से भी ऊंचे ये दरो दीवार हैं, ये भी है सरकार के घर का इकदना मोजज़ा, इस घराने में सभी सरकार ही सरकार हैं। इनका शेर है मोहसिन नकवी या ज़ीशान हैदर जव्वाद जी, ज़ीशान हैदर जव्वादी साहब का, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके 2017 में पाकिस्तान में मर्दम शुमारी हुई, मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, पहले मैं जवाब दे रहा हूं ऑप्शंस, तकरीबन नॉट एग्जैक्टली तकरीबन ऑफिशियल नंबर्स, तकरीबन 23 करोड़,
या तकरीबन 21 करोड़ पाकिस्तान जी 21 करोड़ बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। तादाद के एतबार से या नंबर के एतबार से, यानी ये पांचवीं छठी सातवीं आठवीं दसवीं बारहवीं, 2017 की जो मरदमशुमारी थी ये पाकिस्तान की कौन सी वी मरदमशुमारी थी, मरदमशुमारी कह रहा हूं, मरदम जी छठी, छठी बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। भाई क्या कहने हैं, वाह वाह। क्रिकेट, दुनियाए क्रिकेट की तारीख का पहला टेस्ट मैच, सवाल सुनिएगा, दुनियाए क्रिकेट की तारीख का पहला टेस्ट मैच किन दो टीमों के दरमियान खेला गया? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगर बताना है तो बजर बजा के बताइए, सही होगा तो 10 नंबर ऐड होंगे वरना माइनस हो जाएगा। बजर के बगैर के जवाब की जी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल गलत है आपका जवाब, ताजियत कीजिए। ये है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, नॉट न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुनिया टेस्ट की तारीख का पहला टेस्ट मैच खेला गया, ये मैच किस टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन देता हूं, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, बताएं टाइम कितना बाकी है, बताएं जरा जी, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। अगर कोई तुक्का लगाना चाहे तो लगा ले, 5-4 जी इंग्लैंड, गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए, गलत हो गया जवाब। ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया 45 रन से। ये मैच बाकी है, ओके, ये मैच किस मुल्क में खेला गया? पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया हार गया 45 रन से और साथ साथ आपके -10 भी करा गया। लेकिन ये मैच खेला किस मुल्क में गया था? मैं ऑप्शन देता हूं, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, इसमें मेरा गलत तुक्का मारना चाहिए आपको जो जी इंग्लैंड, गलत हो गया आपका जवाब, ताज़ियत कीजिए। अगला सवाल करने वाले इंसान का नाम है वसीम वसी, बल्कि ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे ताजदारे हरम। ये कलाम किस कवाल की वजह शोहरत बना? अच्छा भाई, ओरिजिनली जनाब ऑप्शन दे दें, नुसरत फतेह अली खान साहब या गुलाम फरीद साबरी साहब। हाँ जी, किसने बजाया पहले? बी ने जी सर, गुलाम फरीद साबरी साहब। ठीक हो गया जवाब, जबरदस्त। जुए भाई सवाल कीजिए। यौमन इला अर्दिल हराम बल्लिग सलामी शायर का नाम, शायर का नाम, ऑप्शन दीजिएगा, इमाम अहमद रजा खान या इमाम जैनुल आबिदीन। जी किसने बताया? इमाम अहमद रजा खान। गलत हो गया, गलत हो गया आपका जवाब, ताजियत कीजिए। आखिरी सवाल करेंगे जनाब कारी मोहसिन साहब, जो कि अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे। सूरतुर रहमान कुरान पाक के कौन से पारे, किसने बजाया? सी जी सर, 27वें पारे में। जवाब दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त हो गया, तालियां बजाना भाई। पहला राउंड खत्म हो गया और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आपने आगाज अच्छा किया लेकिन एक दो सवाल गलत हो गए, आपने आगाज मतलब माइनस से किया लेकिन फिर मामला बेहतर ठीक है। अभी तक तीनों हैं गेम में, तस्वीर दिखाएंगे तीनों को, पहली तीन तस्वीर पार्टिसिपेंट भी आपको दिखाएंगे, तस्वीर आएगी, एक दो हम हिंट्स दे देंगे ठीक है, और जिसके बाद आपको जवाब देना होगा। सही जवाब पर 10 नंबर का इजाफा, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहला जवाब आखिरी जवाब। पहली तस्वीर पार्टिसिपेंट बी के लिए दिखाएं भाई। अच्छा जनाब, रेडियो ग्राम बेल, मार्कोनी। जी जनाब गलत हो गया जवाब। दूसरी तस्वीर दिखाइए। हाँ जी, मजार मुल्तान, सिलसिला सुहरवर्दिया, मुल्तान की एक बड़ी मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी भी है इस नाम से, मुल्तान की तो मतलब मुझे पहचान है मैं कहूँगा, जकरिया आता है नाम के आखिर में, हजरते
जकरिया, बीच में एक लफ्ज़, 5 4 3 2 1, हजरत बहाउद्दीन जकरिया न दे पाया जाओ। तीसरी तस्वीर दिखाई, ये कौन है बता दे, ये तिलावत करते हैं, यहाँ बैठ, शाहजहाँ रमजान शहरी में भी आते हैं, इफ्तार में भी आते हैं, आपको कसम है क्या उसका जवाब दे दें प्लीज, आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ नाथ खां, कारी भी हैं, कासमी भी हैं, कारी अहमद रज़ा कासमी साहब, कारी अहमद रज़ा कासमी साहब नहीं है, इस पे इस -50 हो जाना चाहिए सर, कारी वही जफर कासमी साहब, ये कारी अहमद रज़ा कासमी साहब नहीं है, ये जाओगे डरो उस दिन से जब हमारी तस्वीर आए, ठीक, ये मैं सबको वार्निंग दे रहा हूँ, मुझ समेत अपने आप को भी, ठीक है, अल्लाह खैर करे, चले जना। अगली किसी ने मुझे आया तंग किया, मैं उसकी 8 साल पुरानी तस्वीर लगाऊंगा, बताओ आपको, और मैं ऐसे ऑप्शन दूंगा कि जवाब ऐसा आएगा जो आप लोगों को बहुत ही बुरा लगेगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, चले भाई अगली 3 तस्वीर आपको दिखाएंगे सर, यानी कि पार्टिसिपेंट सीखो, पहली तस्वीर दिखाएं, जी सर, अच्छा भाई बल्ब एडिसन, बड़ी मेहरबानी, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, तालियां मैंने, अच्छा सर इतनी देर बाकी है या इतना टाइम हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा कि कितनी देर बाकी है, ओ अच्छा मैं गलत समझे थे, मैंने पहला नोट जल्दी ख़त्म कर दिया, चले कोई बात, कोई मसला नहीं, ठीक है, अगली तस्वीर दिखाएं, अच्छा ये कब्रिस्तान कराची से 29 मकली का कब्रिस्तान चौकंडी, गलत हो गया जवाब, तीसरी तस्वीर दिखाएं, बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह, माहिद जैन जी, माहिद जैन, समी, समी समी आपके दोस्त हैं, नहीं पहला नाम पहला जवाब आखिरी जवाब, क्या पहला जवाब क्या दिया आपने, माहिद जैन, गलत हो गया आपका जवाब, ताज़ियत कीजिए, समी यूसुफ, गलत हो गया आपका जवाब, अगली 3 तस्वीर दिखाएं भाई, अगली 3 तस्वीर है, पार्टिसिपेंट है आपकी, दिखाएं पहली तस्वीर दिखाएं, अच्छा भाई बरादरान है ये, तो हवाई जहाज, दो भाइयों का नाम आता है ना, एक भाई राइट में बैठा एक लेफ्ट में बैठा हुआ, 5 4 3 2 1, एक भाई राइट में बैठा है एक लेफ्ट में बैठा है, ये राइट ब्रदर्स है, राइट ब्रदर्स ना, मैंने आपको इससे ज्यादा क्या हिंट दूं, शुक्र वो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह ने कहा जी, शुक्र है सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह ने, हाय 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 हाय, देन जब जरताज गुल हो गया जब यहाँ पे हमीद गुल साहब पे, तो बिल्कुल दे सकते हैं, अगली तस्वीर दिखाएं, ये मॉन्यूमेंट है जो कि पाकिस्तान के नाम से मंसूब है और जो इस्लामाबाद में है, इसको क्या कहते हैं, 5 4 3 2 1, मॉन्यूमेंट है पाकिस्तान के नाम से और इस्लामाबाद में, ये पाकिस्तान मॉन्यूमेंट है, मैं आपको जवाब बता दिया था, अच्छा हिंट भी नहीं दी, जवाब भी बता दिया मैंने पूरे का पूरा, तीसरी और आखिरी तस्वीर दिखाएं, आलम इस्लाम के बहुत मशहूर और मारूफ नाथ खां जो कि रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए, हुसैनी नाम के आखिर में हुसैनी आता है, एक और हिंट हजरत अली की तलवार का नाम, जफर हुसैन, गलत, जुल्फिकार अली हुसैनी आलम इस्लाम के मशहूर और मारूफ नाथ खां, आप जवाब न दे पाए, तीसरे राउंड की तरफ बढ़ने से पहले मुझे जुल्फिकार भाई की किसी एक नात का कोई एक शेर सुना दे, आप में से कोई भी, आप बेशक कोई भी एक शेर सुना, फिर हम जाते हैं तीसरे राउंड की तरफ, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, क्या कहना है, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत लेगी मेरी, सुभान अल्लाह, तो मेरा होगा, इसी तवा
यही तमन्ना जिला रही है, निगाहे लुत्फ करम न होगी तो मुझको जीना ईमान है इस बात पर के ज़ुल्फ़िकार भाई आज भी हुजूर के कदमों में पड़े होंगे, उनको नाते सुना रहे होंगे। इलाहे आमीन इंशाअल्लाह, मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इलाहे आमीन, इलाहे आमीन इंशाअल्लाह। मैं सारी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं सबसे दस बस्ता गुजारिश करूँगा, हमारे भाई जनाब ज़ुल्फ़िकार हुसैनी साहब के लिए आप बहुत दिल से बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए इंशाअल्लाह, और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जनाब आगे बढ़ते हैं आखिरी राउंड की तरफ कि जिसमें एक एक मिनट तक सवालात करने हैं आप तीनों से, पहले आपसे ठीक है सर। सही जवाब पे 10 नंबर का इजाफा है, गलत जवाब में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर सवाल के जवाब में दो ऑप्शंस हैं तकरीबन हर सवाल के ही जवाब, ठीक है सर। आपके 60 सेकंड्स का वक्त पार्टिसिपेंट बी शुरू होता है अब। मलाला यूसुफ़ज़ई को किस शोबे में नोबेल इनाम दिया गया, अमन या साइंस? अमन। बिल्कुल ठीक। जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क ब्राजील या स्पेन? ब्राजील। बिल्कुल ठीक। निश्तर मेडिकल कॉलेज कराची में है या मुल्तान में? मुल्तान। बिल्कुल ठीक। शेरशाह सूरी का असल नाम असलम खान के फरीद खान? फरीद खान। बिल्कुल ठीक। दरियाए डार्लिंग पाकिस्तान में है या ऑस्ट्रेलिया में? पाकिस्तान। गलत। 1965 की पाक भारत जंग का आगाज 9 नवंबर को हुआ कि 6 सितंबर को? 6 सितंबर। बिल्कुल ठीक। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 के 13? 11। बिल्कुल ठीक। ये बताइए कि एटम बम में कौन सी धात इस्तेमाल की जाती है, हाइड्रोजन या यूरेनियम? हाइड्रोजन। गलत। ये बताइए कि लियाकत अली खान ने अपना तारीखी मुक्का किस शहर में लहराया था, कराची के लाहौर? लाहौर। गलत। 2015 में क्रिकेट का आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया था कि पाकिस्तान? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ठीक। मनोज सलवा हजरत मूसा हजरत इब्राहिम? हजरत मूसा। बिल्कुल ठीक। हीरे में कौन सा आंसर सबसे ज्यादा है, पानी या कार्बन? पानी। गलत। दूरबीन किसने ईजाद की, गैलीलियो या आइंस्टाइन? गैलीलियो। बिल्कुल ठीक। मुगलिया सल्तनत का आखिरी हुक्मरान बहादुर शाह जफर या अकबर? बहादुर शाह जफर या अकबर? बहादुर शाह जफर। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके ताली बजा दो भाई। ओके ये जो रियायत है ना एक दो सेकंड जवाब सुनने की, वे सिर्फ आखिरी सवाल पे, वरना आपने बस जल्दी जल्दी जवाब देने, ठीक है ना, वो चूंकि सवाल हो गया था इसलिए हमने आपको जवाब देना अलाउ कर दिया उस पर। अगले 60 सेकंड है सर आपके लिए, यानी कि पार्टिसिपेंट सी के लिए, और आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है सर अब। शालीमार बाग लाहौर में है कि पिंडी में? लाहौर। बिल्कुल ठीक। बांग्लादेश में बंगाली जबान बोली जाती है या हिंदी, बंगला या हिंदी? बंगला। बिल्कुल ठीक। ताजमहल आगरा में है या दिल्ली में? आगरा। बिल्कुल ठीक। गज़वा बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए, 114 या 14? 114। गलत। चावल सबसे पहले किस मुल्क में काश्त हुआ, चीन या पाकिस्तान? सेकंड ऑप्शन। पाकिस्तान, यानी कि गलत। विंडोज सॉफ्टवेयर का बानी बिल गेट्स के मलिक रियाज? बिल गेट्स। बिल्कुल ठीक। 4 फरवरी 2004 को सोशल मीडिया के किस मशहूर नेटवर्किंग का आगाज हुआ, फेसबुक या इंस्टाग्राम? फेसबुक। बिल्कुल ठीक। रग्बी का खेल किस खेल से मिलता जुलता है, फुटबॉल या क्रिकेट? फुटबॉल। बिल्कुल ठीक। नोबेल प्राइज का आगाज 1901 से हुआ या 1970 से? 1901। बिल्कुल ठीक। मगरिब में इल्म दानिश का निशान किसको कहते हैं, कब्बे को या उल्लू को? उल्लू को। बिल्कुल ठीक। दुनिया की सबसे बड़ी फौज चीन की है या नेपाल की? चीन की। बिल्कुल ठीक। रोजे की फर्जियत का हुक्म सूरह बकरा में आया, सूरह रहमान में? सूरह बकरा में। बिल्कुल ठीक। बुल फाइटिंग किस यूरोपीय मुल्क का खेल है, स्पेन या नेपाल? स्पेन। बिल्कुल ठीक। सुलह हुदैबिया किस सन हिजरी में हुई थी, 6 हिजरी में या 61 हिजरी में? 6 हिजरी में। बिल्कुल ठीक। ओके भाई वाह 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 वाह, क्या आपने एंट्री मारी है, जबरदस्त सर। अब तक आपका पलड़ा भारी रहा है, लेकिन अब देखना है कि अब रहता है या नहीं रहता। आपके पार्टिसिपेंट ए 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है सर अब। इंसानी दिमाग का वजन जिस्म के कुल वजन का 2% होता है या 10%? 2%। बिल्कुल ठीक। कायदे आजम मुस्लिम लीग में
1913 में शामिल हुए 1948 1913 बिल्कुल ठीक। बादशाही मस्जिद लाहौर किसने बनाई? औरंगजेब ने या बहादुर शाह जफर ने? औरंगजेब। बिल्कुल ठीक। मशहूर क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन का ताल्लुक भारत से या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ठीक। चांद से खलाबाजों ने जमीन पर क्या देखा? बुर्ज खलीफा या दीवारें चीन? दीवारें चीन। बिल्कुल ठीक। धूप से कौन सी विटामिन हासिल होती? ए के डी। डी। बिल्कुल ठीक। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी के सिंध में? ढाका। बिल्कुल ठीक। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में हुआ या 1992 में? 1972। ओके। लैलतुल जायजा किस रात को कहते हैं? शबे कदर या ईद की चांद रात? ईद की चांद रात। बिल्कुल ठीक। कौमे आद पर कौन से पैगंबर भेजे गए? हजरत हूद या हजरत साले? हजरत साले। गलत। पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता उस वक्त कप्तान इमरान खान या वसीम अकरम? इमरान खान। बिल्कुल ठीक। कुरान के किस बारे में सबसे ज्यादा सूरतें? 28वें के 30वें? 30वें। बिल्कुल ठीक। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? शाहजहां या अकबर? शाहजहां। बिल्कुल ठीक। किस शख्सियत ने सबसे पहले कायदे आजम को बाबा कौम कहा? काजी अकबर या लियाकत अली खान? लियाकत अली खान। गलत हो गया आपका जवाब। ओके ओके। लेकिन 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 आपके नंबर कितने हैं ये बता? आपके नंबर कितने? ओके। सुबह इख्तिताम पर आपके नंबर हैं 100। आपके नंबर हैं 140। क्या बना? कुछ बना या गड़बड़ हो गई है? गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई। क्या करें? क्या हुआ? आपके कितने नंबर आपके साथ? आपके नंबर 140 और आपके नंबर हैं 150। एक सवाल के मार्जिन से बहुत अच्छा खेला है, लेकिन आपने भी जबरदस्त जबरदस्त मुकाबला हुआ। तीनों टीमों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। जहां मुश्किलों में